दोस्तों फाइनली वन प्लस नोट लॉन्च कर दिया गया। आप लोगों को बहुत दिनों से वेट था। फाइनली दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आ चुकी है। गाइस आज के इस वीडियो में हम भी बात करेंगे वन प्लस नोट के बारे में, फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। मैंने सारे अनबॉक्सिंग वीडियो देखे, उसके बाद मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं भाई फ़ोन की अनबॉक्सिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फ़ोन नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इस फ़ोन की पूरी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, ऑल वेरियंट्स बताने वाला हूँ, क्या क्या प्राइस में आप लोगों को कौन से वेरिएंट मिलने वाले, साथ में आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है, डिस्प्ले, नेटवर्क, गेमिंग, प्रोसेसर, वो भी चीजें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर समीट टॉक चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो फाइनली वन प्लस की तरफ से ये पहला फ़ोन है जो कि मिड रेंज में आया है। आप लोगों को पता है जितने भी फ़ोन आते थे वन प्लस के, वो 30 से ऊपर ही होते थे। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों वन प्लस नोट में 3 वेरिएंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वेरिएंट जो है बेस वेरिएंट, वो आप लोगों को 664 का मिल जाता है, 6GB रैम, 64GB इंटरनल, जो कि 25,000 रुपीज़ को आपको देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों जो सेकेंड वेरिएंट है वो आप लोगों को 8/128 का देखने को मिल जाता है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल, वो आप लोगों को 28,000 रुपीज़ में दिया जा रहा है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को जो इसका टॉप मॉडल है वो आपको देखने को मिल जाता है 12+256, जी हाँ, 12GB रैम, 256GB इंटरनल, वो आप लोगों को 30,000 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल जाता है। यानी कि जो वेरिएंट है फ़ोन के काफ़ी अच्छे हैं। मैंने आप लोगों को ऑल वेरिएंट बताए और ऑल वेरिएंट के प्राइस भी बताए। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो हम लोग बात करेंगे। नेटवर्क में आप लोगों को इस फ़ोन में 5G देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये पहला फ़ोन होगा जो कि आप लोगों को सबसे सस्ता 5G फ़ोन देखने को मिला होगा। चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले में। यहाँ पे इस फोन में आप लोगों को फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 6.44 इंचेस का देखने को मिल जाता है। फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले वन प्लस की तरफ से यूज किया जाता है, कहते हैं कि ये डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। वही दोस्तों इस फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि गेमिंग के लिए ये फोन काफी अच्छा रहेगा। प्लेटफॉर्म में यानी कि दोस्तों इसके OS के बारे में बात करेंगे तो एंड्रॉइड 10 ऑक्सीजन 10 के साथ आपको ये फोन देखने को मिल रहा है, जो कि एंड्रॉइड का अब तक का सबसे लेटेस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में, चिपसेट के बारे में। वन प्लस में मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो में बताया था कि इसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि 5G को सपोर्ट करता है ओक्टा कोर के साथ। इसकी जो क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिल जाती है वो 2.4 GHz की है। वहीं आपको GPU में Adreno 620 के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है, यानी कि गेमिंग के मामले में ये फ़ोन अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों मैंने 2-3 वीडियो देखी जहां पे मैंने देखा कि PUBG में ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ HD एंड हाई तक जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन मेरे पास भाई है पोको F1, वो चला जाता है। आप लोगों को पता है कि HDR अल्ट्रा तक हम उसे खेल सकते हैं, तो मुझे लगा था कि एटलीस्ट ये 855 कंपेयर नहीं कर पाएगा। इसमें कम से कम स्नैपड्रैगन 845 इतना पावर देना था। वही दोस्तों बात कर लेंगे कैमरे क्वालिटी के बारे में। तो इस फोन में आप लोगों को प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा इसमें हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि 48+8+5+2 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ में डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। वही सेल्फी में डुअल सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मेन वाइड कैमरा 32 मेगापिक्सल का होता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें इसमें देखने को मिल जाता है। फीचर में आपको HDR मिल जाती है, साथ में आप 4K 30fps का वीडियो इसे क्रिएट कर सकते हैं। वही दोस्तों बात कर लेंगे इस फोन के बैटरी के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम गेम के लिए फोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस फोन में आप लोगों को 4115mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 4115mAh की बैटरी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। यानी कि ठीक है, बैटरी काफी अच्छी है, 4000mAh यानी कि बहुत काफी है। वही
चार्जर टाइप में 30 वॉट का चार्जर हमें इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो OnePlus जो नोट आया काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो PUBG के लिए मुझे लगा कि PUBG के लिए ये फ़ोन उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन आजकल आपको पता है कि जो लोग हैं वो PUBG के इतने दीवाने हैं और ज़्यादातर जब वो फ़ोन लेते तो ये सोच कर लेते कि इसमें PUBG कहाँ तक चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन में कम से कम HDR अल्ट्रा अगर सपोर्ट होता तो ये फ़ोन और भी ज़्यादा बेटर हो जाता। तो मेरे हिसाब से दोस्तों OnePlus नोट काफ़ी अच्छा फ़ोन है। फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका काफ़ी अच्छा था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये फोन कैसा लगा। इस रेंज में ये फोन काफी अच्छा है। बाकी ओवरऑल मुझे ये फोन बहुत अच्छा लगा। इसके डिस्प्ले कैमरे जो है वो OnePlus की तरफ से काफी अच्छा दिया गया और नेटवर्क के तो क्या कहने हैं, 5G दिया गया, यानी कि ओवरऑल काफी अच्छा फोन है। बस मुझे यहाँ पे गेमिंग में थोड़ा सा लो लगा कंपेरिजन टू अदर फोन्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरी वीडियोज़ अपडेट रह सकें।